नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। प्रदेश में लगातार जुर्म का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको काबू में करने के लिए कई सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है। इस बीच बढ़ते अपराध के मामलों में सबसे ज्यादा रेप और मासूमों के साथ दरिंदगी की खबरें आ रही है। कभी खबर सामने आती है कि किसी पिता ने अपनी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया, तो कभी भाई ने बहन के साथ ही दुष्कर्म किया, या फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ भी दरिंदगी की जा रही है। लेकिन सिर्फ रेप और दरिंदगी के मामले नहीं, छेड़छाड़ के मामले भी काफी ज्यादा आ रहे हैं, जिसको हल्के में ले लिया जाता है। ये ऐसी खबरें हैं जो लगातार समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रही है। इन खबरों को देख लगता है कि इंसानियत और रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 12 साल तक की बच्ची के साथ रेप के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान भी दिया है। इसके लिए पॉक्सो एक्ट में बदलाव के लिए ऑर्डिनेंस जारी की गई है। फिर भी अपराधियों में किसी तरीके का कोई डर नहीं है। अब एक और मामला सामने आ रहा है मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट के जाकिर कॉलोनी पुलिस चौकी का, जहां आपको बता दें कि नाबालिग युवती को बाइक पर ले जा रहे दूसरे समुदाय के लोग जबरदस्ती करते हुए दिखाई दे रहे थे। मामला है हापुर रोड का, जहां पर पब्लिक भी बहुत मौजूद थी और ये दो लड़के युवती के साथ जबरदस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला इस तरफ मोड़ लेता हूँ, दिखाई दे रहा है कि युवती के साथ छेड़छाड़ करके उसका अपहरण करने की कोशिश की जा रही है। वही आप तस्वीर और वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से युवती के साथ जबरदस्ती की जा रही है। जब इन युवकों को जबरदस्ती करते हुए देखा, तो वहां की पब्लिक ने अपने जूते चप्पल निकालना शुरू कर दिया और इन पर मारने के लिए दौड़े, लेकिन तभी एक युवक बाइक लेकर भाग गया और दूसरा हाथ हत्तों चढ़ गया। वहीं पर जब पब्लिक ने मारना शुरू किया तो उस लड़के की मारपीट शुरू हो गई। तस्वीर और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही है और फिर पब्लिक भी आक्रोश में आकर युवक की मारपीट कर रही है। अब पब्लिक के मौजूद रहने की वजह से लड़की को बचा लिया गया, लेकिन क्या ऐसे पब्लिक हमेशा मौजूद रहती है और लड़कियों को क्या बचा लिया जाएगा? वही ऐसे मामले आम बात हो गई है, क्योंकि लोगों में कानून का कोई खौफ नहीं है। लेकिन इन सब मामलों को रोकने के लिए भी सख्त कानून बनाने चाहिए, ताकि अपराधियों में डर बना रहे। इस तरह की खबर पर आपका क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं।